जीवन में अपनी गलती को स्वीकार करना परमात्मा का सबसे बड़ा धन है। मनुष्य अपने प्रभु के चरणों में जाकर अपने द्वारा की गई गलतियों को बता देता है तो प्रभु उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं। तो ये बातें राधे श्याम व्यास ने दिल्ली रोड स्थित होटल ड्राइव इन 24 में श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन भक्तों को कथा का श्रस्पान कराते हुए कही। राधे श्याम व्यास ने कहा कि गलती करके पश्चाताप करने में कोई बुराई नहीं है। मनुष्य तो गलतियों का पुतला होता है। जीवन में संत की कृपा होनी आवश्यक है। जिस पर संत की कृपा हो जाती है वह व्यक्ति दुख शोक समस्याओं से मुक्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि सुबह को निद्रा से जागते हुए जो व्यक्ति सबसे पहले शीशा देखते हैं उन्हें कभी रोग नहीं होता है। लेकिन दुनिया में लोगों की आदत खुद का चेहरा देखने की नहीं है बल्कि दूसरे मुख देखने की है। राधे श्याम व्यास ने कहा कि जो इंसान खुद काम पाप में विश्वास रखता है वह व्यक्ति ईश्वर की माया में फंसता है। व्यक्ति की कामना जब पूरी नहीं होती है तो उसे क्रोध आता है। क्रोध में बुद्धि जब ग्रस्त हो जाती है तो व्यक्ति को अपना पराया कुछ नहीं दिखता है। भगवान ने जैसे ही 24 रूप दिखाए संसद कहते हैं कि एक की जगह 24 रूप के चक्कर में पड़ गई ये पसंद करेगी कि ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये ठीक है कि ये ठीक है। तब तक टाइम हो रहा था, नारद जी बोले जल्दबाजी हो रही है, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। इन्हीं उपस्थित पग भेद खगे सा गलत रास्ते में अपना पांव रखता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहता। नारद 24 रूप देखे समझ में नहीं आया कि वो उस देवी को कौन सा रूप पसंद आएगा। जब समझ में नहीं आया तो विष्णु जी ने पूछा क्यों नारद जी कौन सा चाहिए, बोले महाराज मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, तो भी कौन सा रूप तू हो। तो भगवान विष्णु को क्या कहा जरा बोलिएगा।